Welcome to Sanguine Capital Show. Today's show is about how the market behave and what we have to into the current market situation. Before getting into the board, we do have Mr. Rajnish Bangiya, and I welcome him for the same, that he is going to tell us that how we should behave into this current market situation. And I welcome you, sir. Thank you. Today I'm going to ask you some questions that how people react to the same situation. Okay. My first question will be, what are the important levels of Nifty as per technical analyst in the current market situation? Okay. आजकल का जो आज जो मार्केट का लेवल है वो नियर अबाउट 10,540 के आसपास क्लोज हुआ है. तो मार्केट में अभी 10,100 का लास्ट वीक दो बारी डबल बॉटम मार्केट ने मारा था. तो वो हमें लग रहा है 10,100 का मेजर सपोर्ट मार्केट को मिलेगा और ऊपर मार्केट को रेजिस्टेंस 10,800 से 900 लेवल तक है. 11,000 निफ्टी मोर और लेस क्रॉस नहीं करेगा. तो इट मीन्स कि आने वाले कुछ टाइम के लिए, कुछ डेज के लिए 10,100 से 10,800 टू 900 का लेवल मेंटेन रहेगा मार्केट में. ओके, तो हम मान सकते हैं सर कि 10,100 इसका सपोर्ट हो सकता है? यस, अभी शॉर्ट टर्म के लिए मेजर सपोर्ट है. अगर वो ब्रेक किया तो वहाँ से और फॉल आ सकता है. तो कितना हम लेवल मान सकते उसके बाद हम सपोर्ट हमारा क्या रहेगा इसके लिए? उसके बाद हम मान रहे हैं कि 9,800 का एक मेजर सपोर्ट है मार्केट को. अगर वो ब्रेक करता है तो नियर अबाउट 9,000 के आसपास लेवल्स आ सकते हैं मार्केट के शॉर्ट टर्म पे. ओके, राइट. My second question from the investors is, VIX is now 17.37, okay. And can we see more volatility into the market as per current situation? नहीं, ऐसा लगता नहीं कि volatility और आगे maintain होगी. okay. क्योंकि अगर आप देखें तो last 6 से 7 months तक volatility करीब 12 से 15 band में घूमती रही थी. okay. उसके बाद जब 3 weeks पहले sharp एकदम market में spike आया है, तो वो 15 से 18 level का cross किया. okay. और मैक्सिमम जो हाई मारी है वो 21.5 मारी है वोल्टिलिटी. तो इट मींस कि विक्स के 3 बैंड्स थे जो मार्केट ने क्रॉस किए. एक टोटल 15 से मेंटेन था, फिर 15 to 18 एंड 18 to 22. अब एट प्रेजेंट जो आज की क्लोजिंग है वो 17.5 के आसपास है. तो इट मींस कि जो 18 से 22 का बैंड था विक्स का, वो मोर और लेस अब फिनिश हो गया. तो लगता है कि कुछ समय तक मार्केट 15 से 18 के विक्स के बीच में घूमेगी, जो थोड़ा सा वोल्टिलिटी एज कम्पेयर टू 12-15 ज़्यादा मेंटेन करेगी मार्केट. Right. And my third question that many of the students are asking for the same, if people are looking for making their career as a technical analyst, because we do have two parts, fundamental and technical. I am more focusing on technical analyst. Okay. Because that makes money. What you suggest, what is the, you know, performer will go into the technical analyst? आजकल के समय आप देख रहे होंगे इकोनॉमी काफ़ी बढ़ रही है, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ रही है लोगों में. right. बच्चों में, खासकर बच्चों में, यूथ में. exactly. जहाँ तक वो मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीखना चाहते हैं कि ये क्या है, कैसे है, हाँ, फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो उनको थोड़ा सा अगर हमें इस मार्केट्स में ज़्यादा लेके आना है तो टेक्निकल एनालिसिस एक रूट है जिसमें हम 2 पॉइंट्स पे उनको फ़ायदा हो सकता है. right. एक पॉइंट तो ये है कि वो अपने लिए जब खुद की ट्रेडिंग साथ में अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अपना पर्सनल उसमें अच्छा डिसीजन ले सकते हैं अगर उन्होंने ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया हुआ तो. सेकंड पॉइंट, अगर वो एज ए इसे अपने जॉब की तरह भी मेंटेन या फिर अपने कैरियर की तरह ऐसे लेना चाहते हैं तो इस लाइन में भी जा सकते हैं. तो आपका कहने का मतलब है कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट कोर्स करेगा तो 2 परफॉर्मेंस पे काम कर सकता है, अपनी ओन ट्रेडिंग के लिए भी और दूसरा एज अ करियर ऑप्शन. राइट. इनटू फाइनेंशियल मार्केट. राइट राइट राइट. Okay, sir. Thank you so much, sir, for Welcome. Telling us so much on financial market and being into the part of this. Thank you so much. Welcome.